अस्सलाम एवरीवन, दिस इज़ फैंटम फ्रॉम डीसीएस वर्ल्ड पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और पहली वीडियो बहुत अच्छी जा रही है, बट कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे एंड दे सेड कि जी S300 क्यों इतना पोर्टेंट सिस्टम नहीं है, क्यों अटैक नहीं करा। तो हम अपने वी आर ट्राइंग आवर लक अगेन एंड वी आर गोइंग बैक इनटू यू नो लिटरली द लायंस माउथ। और क्योंकि हमें रिपोर्ट मिली है कि वो सैम साइट दोबारा एक्टिव हो गई है, और इस दफ़ा हम उसका पक्का काम करने के लिए वी आर कैरिंग दी C802 AKG। और दिस इज़ द सैम साइट, इट्स अप अगेन और इट्स कॉजिंग प्रॉब्लम्स। तो हम अब इसका पक्का इलाज करने के लिए हैवी वेपन्स लेके जा रहे हैं, और मेरे पास एक सपोर्ट एयर क्राफ्ट भी है विद एंटी रेडिएशन मिसाइल्स। तो वी विल ट्राई टू एंगेज द सैम साइट और दोबारा इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, बट दिस टाइम यूजिंग अ हैवी गाइडेड वेपन। सो दिस इज़ GF-17 अगेन, दूसरी सोर्टी है दिन की। आई डोंट हैव अ गुड फीलिंग अबाउट दिस। We tried our luck for the first time and here we are. The SAM side has locked on to us and we are engaged. और अभी हमें मौका ही नहीं मिला है उसको करने का ट्रैक। And we have a missile launched against us. This is not good. This is not good. अच्छा, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही इस वक्त। This is not good, but missile launch का ये कि उसने अपने आप को रिवील कर दिया। I will try to fire the H-4. Here's the missile coming towards us. This is not a good feeling. Two missiles against us. Our number two is totally defensive. Three missiles against us. तो जी, जो भी कोई कह रहा था ना S-300 बड़ी हल्की सी चीज़ है, वो आप देख लें, it doesn't take any prisoners at all, whether it's DCS or real life. They are threatened and they are responding with full force. And we definitely have to go evasive. We are releasing chaff. We are going defensive. Our first raid has failed. हम नहीं launch कर सके अपना long range missile because we couldn't even track it down. So we are now going defensive, but we are not going to give up. Let's see if we can survive this first. बड़ी बातें करना आसान है. So the first raid, turning back, going defensive. नहीं कामयाब हो सके हम लोग. और we will try our luck third time. This is pushing it. Going in the face of S-300, it is not easy. ये किसी के जहन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस सिस्टम को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। इट कैन लिटरली पंच यू इन योर फेस इफ यू नॉट कंप्लेसेंट। पहले राउंड में हमने इसको मौका ही नहीं दिया था, बट दिस टाइम हम क्योंकि हैवी वेपन लेके इसको ट्रेस करना चाह रहे हैं, सो इट्स स्लाइटली डिफ़िकल्ट। It's probably well placed behind a hill, जिसकी वजह से हमें यह नज़र नहीं आ रहा किसी के पहाड़ी के पीछे, हम उसको विजुअल नहीं दे पा रहे। और बड़ा अच्छा कैमोफ्लाज हुआ उसको। और अगेन आउट ऑफ नो वे देयर वी कैन सी अ ट्रेस। वी विल ट्राई टू लॉक इट डाउन। इट्स टू रिस्की। आई एम लिटरली फ्लाइंग इन द फेस ऑफ द मिसाइल। इट्स टू रिस्की। लेट्स सी इफ आई कैन लॉन्च अ मिसाइल। मैंने मिसाइल लॉन्च कर दी है। मुझे उसको यू नो गाइड करने का मौका मिला। और देयर यू कैन सी इट हैज़ इंटरसेप्टेड द मिसाइल। देखें जी, जो हमने LD-10s फायर किए थे और जो क्रूज मिसाइल फायर किया था इंटरसेप्टेड। इज अ मिसाइल कमिंग राइट इन माय फेस। डॉज्ड वन मिसाइल। वाओ, डॉज्ड वन। ब्रेकिंग हार्ड राइट। देयर इज अनदर मिसाइल ट्रैकिंग, सेकंड मिसाइल इन द एयर, पुलिंग हार्ड राइट। ओ, दिस इज गोइंग टू बी क्लोज। ओ शिट, इट्स लॉकडाउन टू बी। ओ नो, दिस इज गोइंग टू बी रियली क्लोज। आई एम गोइंग टू चेंज माय डायरेक्शन। आई एम गोइंग टू टर्न इनटू द मिसाइल। ओ नो, दिस इज गोइंग टू बी रियली क्लोज। दिस इज नॉट गुड। Alright, one missile away. God damn it! Ooh, third missile away. And this, I'm in panic stations. Let's have a look at it one more time. Wow, how am I even up in the air? मैं कैसे survive कर रहा हूँ? There you can see हमारे LD-10s. ये पहला missile था. That was close enough. Let's close in. Let's zoom in a bit. Have a look at the second missile come in. इतनी करीब। मैंने तो इस वक्त जो है ना सारी उम्मीद छोड़ दी थी। और अगर किसी को कोई शक है S-300 कैपेबिलिटी पे, तो वो ये देख ले ये मिसाइल कहाँ से गुजरा है, और तीसरा मिसाइल भी देख ले वो कहाँ से गुजरा है। सो S-300 जिसने अंडर एस्टिमेट करना है, देयर ओन रिस्क करे। वी हैव टू फाइट फॉर आवर लाइफ फॉर दिस। और एक व्यूअर कमेंट मैंने पढ़ा था,
इन बीच देवे सिंह जी हमें मिसाइल के व्यू से भी दिखाएं, हमने कोई आपको एवेसिव मनूवर्स करते नहीं देखा, तो जनाब अब आप एवेसिव मनूवर्स करते देख लें ताकि आपको पता लग जाए कि इस 300 से बचना क्या चीज़ है। 1 and 2 एंड गोइंग फर्दर डिफेंसिव, फर्दर डिफेंसिव, वी आर नॉट आउट ऑफ इट येट। एस 300 के अंदर क्या हम इतने पास से हम रेंज, लुक एट द क्वांटिटी ऑफ ऑल दोज मिसाइल क्योंकि एस 300 ने फायर की। एट द एंड ऑफ द मिस 24 मिसाइल्स वो फायर्ड एट अस, देयर इज माय विंग मैन, ही इज अप इन द एयर समहाउ, वो किसी तरीके से बचा। एज अनदर वन, लाइन जी देख लें एस 300 जी क्या करती है आपके साथ, ये देख लें, ये देख लें, एंड देयर इज अनदर वन। नहीं अगर यू नो अगर किसी को अभी भी डाउट है, इस मिशन में 24 सैम्स को डिफीट किया है, 24 सैम्स, टॉक अबाउट इट, टॉक अबाउट इट। एज अनदर वन कमिंग इन जी, एज अनदर वन, एज अनदर वन, एंड इट वॉज अ क्लोज कॉल एज वेल, एंड अनदर वन। सो दैट वॉज द सेकेंड मिशन ऑफ द डे, राइडिंग आर लक, वी हैव सर्वाइव 24 सैम्स ऑफ एस 300, दिस इज़ द बिग वन। I hope our viewers are now satisfied. It's not easy attacking the S3. And now I'm going in. Or end mein mera missile malfunction kar raha tha jab Sam Sai try kar gaya. So this is Phantom signing off. You guys have a great rest of the day.